हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डीएसी ग्राउंड से एंड आज हम गुड़गांव क्लासिको कैफे जो फरीदाबाद रोड पर बना है, गुड़गांव का सबसे बड़ा कैफे, ओपन एयर कैफे एंड बार है। तो यहाँ मैं पहले भी गया हूँ बट यहाँ इससे पहले मैंने ब्लॉग शूट भी किया एंड अभी मैं और शाहरुख जा रहे हैं। तो हमने इमीडिएटली मतलब प्लान किया है क्योंकि वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं प्रांजल भैया एंड वह बहुत सारी मस्ती कर रही है। क्लासिको कैफे जो गुड़गांव का सबसे बड़ा कैफे है, बहुत अच्छा कैफे है एंड बार है। फाइनली क्लासिको कैफे पहुंच गए गाइस। अभी गाड़ी पार्क करने के लिए भैया गए आगे, उसके बाद फिर अभी अंदर चलेंगे एंड अभी अंदर प्रांजल भैया आई हुई और बाकी कैफे दिखाते हैं। इतना बड़ा कैफे भी पार्किंग दिख रहे हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है।
करिए, आपकी राम राम मैंने न्यारी ले ली। तो शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपका स्वागत है कैफे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, मैं भी आऊँगी थोड़ी देर बाद यहाँ घूमने फिरने। सो एक जोरदार ताली पहले मेरे लिए हो जाए यार, एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए हो जाए। मगर जी स्टेज नहीं तोड़ना आता, पर जोर दो आता था ताली बजा लो। सो हाँ जी मखा जी, राम 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 राम, शुक्रिया। जानवी आई हुई है क्या? जानवी, मुझे मैसेज आया था। और 7 नंबर टेबल किसकी है आज? अच्छा आपकी है। हैप्पी बर्थडे प्रदीप कटारिया जी, इनको इनके जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ हो। हाँ जी मूड गाना, ठीक है मूड भाई, मूड गाना भी डाउनलोड करा दो, डिमांड है ये। सो थैंक यू सो मच, आज सारे ऑलमोस्ट हरियाणा दिल्ली के सारे आए हुए हैं, तो इससे बड़ा मौका मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। क्योंकि मैं फरीदाबाद से ही हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। आप गुड़गांव से आ रहे हो? मैंने बोला गुड़गांव वालों के लिए भी इस तरह फालतू रिश्ते मैंने बनाने नाते, मैंने सिर्फ भाई बनाने आ गए। चलिए शुक्रिया शुक्रिया सभी का। हेलो हाय सारी लेडीज को, हाय जिससे मैं नहीं मिल पाई उसको भी हेलो हाय, सबको हाय। भाई गाने चला देना भाई, जे मूड गाना नहीं चलाना यार रोड़ा बाज जाएगा। शो कंप्लीट हो गया है एंड मैं और शाहरुख आ गया रूम में। इसी कैफ़े के पीछे बना हुआ है कॉटेज, उस कॉटेज में हमने स्टे किया अभी, एंड ये इसी कैफ़े का कॉटेज है। तो काफ़ी टाइम हो गया एंड थक गए, आवाज़ भी थोड़ी बैठ गई है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिंग विंग किया हम लोगों ने भी उसके साथ में, एंड अभी खाना वीना खा करके तो अभी वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज काफ़ी थक गए हैं। रेस्ट भी करना है, फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, फिर बहुत सारे काम हैं, फिर नैनीताल भी वापस आना है। तो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वन, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।